Hello students, welcome to D chemistry classes. I am Dipen Kumar and today I am going to discuss classification of elimination reaction. इसमें देख सकते हैं इसको थ्री क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है. सबसे पहला आपका है इवन एलिमिनेशन, सेकेंड आपका है E2 एलिमिनेशन एंड थर्ड आपका है इवन सीवी एलिमिनेशन. यहाँ पे इवन सीवी का मतलब है यूनिमॉलिकुलर बेस कैटलाइज. यहाँ पे बी का मतलब है बेस, सी का मतलब है कैटलाइज, ई का मतलब है एलिमिनेशन. यूनिमॉलिकुलर बेस कैटलाइज एलिमिनेशन रिएक्शन को हम शॉर्टली बोलते हैं. तो अब हम आगे फर्दर इसको जानेंगे कि E1 क्या होता है, E2 क्या होता है एंड E1 CV एलिमिनेशन क्या होता है. सबसे पहला जो है आपका देख सकते हैं ये आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये आपका एक हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है. तो जो आपका यहाँ पे लिख रखा है हमने जो भी आपके एलिमिनेशन है, सबसे पहला आपका E1 एलिमिनेशन है. E1 एलिमिनेशन में लीविंग ग्रुप पहले बाहर जाता है, ध्यान रखिएगा. E1 एलिमिनेशन में लीविंग ग्रुप पहले जाता है, डी प्रोटोनेशन बाद में होता है. यहाँ पे देख सकते हैं अगर इस स्टेप को हम यहाँ पर ना दिखाएं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं डी प्रोटोनेशन ठीक है. और ये जो आपका स्टेप है ये फास्ट स्टेप होता है. और देखिए इसमें और भी चीज़ जानने लायक है, ये जो लीविंग ग्रुप का बाहर जाना होता है, लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप आप लिख सकते हैं. लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप ये आपका स्लो स्टेप होता है ठीक है. और स्लो स्टेप जो होता है वो केमिकल काइनेटिक्स में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. जो आपका इवन एलिमिनेशन है उसका फर्स्ट स्टेप लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप का होता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप बाहर जाता है. और ये आपका स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होने की वजह से इसको रेड रिमेनिंग स्टेप बोलते हैं. और उसके साथ साथ एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है ये रिवर्सिबल होता है ठीक है. उसके बाद में जब डी प्रोटोनेशन होता है तो वो आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वीक बेस के प्रेजेंस में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है. वीक बेस क्या करता है, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर इसके इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पर चले जाते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज ये दोनों मिलकर स्टेबलाइज हो जाते हैं और एल्कीन बना लेते हैं. तो ये जो आपका सेकेंड स्टेप है डिप्रोटोनेशन का होता है. और जो एलिमिनेशन इवन है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो R=K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट मॉलिक्यूल होता है. यहाँ पे देख सकते हैं बेस की कंसनट्रेशन पर इवन एलिमिनेशन डिपेंड नहीं करता है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. यहाँ पर तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक तो फर्स्ट लीविंग ग्रुप लॉस होता है यानी बाहर जाता है, देन उसके बाद डिप्रोटोनेशन होता है. फर्स्ट स्टेप इसका स्लो होता है जो कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है ठीक है. और जो आपका डिप्रोटोनेशन है वो फास्ट स्टेप होता है. और इसमें जो इंटरमीडिएट है वो सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन या कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, यानी कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट फॉर्म होता है E1 एलिमिनेशन में. नेक्स्ट आपका है E2 एलिमिनेशन. E2 एलिमिनेशन में क्या होगा, इसमें डी प्रोटोनेशन और लिविंग ग्रुप दोनों एक साथ में बाहर जाते हैं, यानी कि डी प्रोटोनेशन एंड लिविंग ग्रुप का जो डिपार्चर है वो दोनों साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है. और जो आपका E2 एलिमिनेशन है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है. इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, आप देख सकते हैं ठीक है. और ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसके बाद तुरंत आपका एल्कीन बन जाता है. तो यहाँ पर एक चेंज ये है, यहाँ पर डी प्रोटोनेशन और लिविंग ग्रुप दोनों का डिपार्चर सेम होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है, कंसर्टेड रिएक्शन होती है. और जो आपका E2 एलिमिनेशन है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है ठीक है. यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है. अब बात आती है इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है तो इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है और यहाँ पर बेस और सब्सट्रेट मॉलिक्यूल दोनों इन्वॉल्व हुए हैं ठीक
ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप आपका यही होगा, यहाँ पे चाहे तो दिखा सकते हैं, सिंगल स्टेप ही है और इसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है। ये सिंगल स्टेप होता है, इसमें दो स्टेप होते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है, तो यही आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन एंड बेस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करता है। उसके बाद थर्ड आपका आता है इवन सीवी, यानी कि एलिमिनेशन बेस कैटलाइज्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो आपका डीप्रोटोनेशन है वो फर्स्ट होता है, यानी कि पहले होता है, और डीप्रोटोनेशन वाला स्टेप है वो आपका रिवर्सिबल होता है, ठीक है, फास्ट स्टेप होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फास्ट स्टेप होने की वजह से ये स्टेप आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं हो सकता। इसमें भी इसमें आपको कार्बन आयन बनता है, एन आयन बनता है, इसमें आपको क्या बनता था, कार्बोकैटायन बनता था। तो ये जो आपका इवन है और इवन सी बी दोनों एक दूसरे से सिमिलर से लगते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपका प्रोटोनेशन बाद में होता था, यहाँ प्रोटोनेशन पहले हो जाता है। यहाँ लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप फर्स्ट होता था, इसमें आपका लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप बाद में आता है। और जो लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप है वो स्लो स्टेप होता है, इसकी वजह से इस स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। उसके बाद में ये जब लॉस हो जाता है इसका, तो ये तुरंत एल्गिन फॉर्म कर लेता है, ये आपका प्रोडक्ट है। और जो रेट इक्वेशन आती है, इसमें दोनों के कंसंट्रेशन इसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर R इज इक्वल टू के सब्सट्रेट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन एंड देन आपका बेस मॉलिक्यूल का या बेस का कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है इवन सी बी का, वो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल और बेस मॉलिक्यूल दोनों पर डिपेंड करता है। जबकि यहाँ पर E2 में क्या था, इसमें भी वही चीज़ थी, बट ये आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये आपकी टू स्टेप रिएक्शन है। इसमें आपका डीप्रोटोनेशन एंड लिविंग ग्रुप दोनों का लॉस सेम टाइम होता है, साइमल्टेनियसली होता है। तो यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों पर डिपेंड करता है। और इवन की बात करें अगर हम, तो इवन में लिविंग ग्रुप पहले बाहर जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और जो आपका डीप्रोटोनेशन है वो बाद में होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एकदम सैमरी है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमिनेशन का, बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। और कहीं भी अगर आता है तो यही आपके ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप उनको पहचान सकते हैं, किसमें इवन हो रहा है, E2 हो रहा है या इवन CB हो रहा है। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये आपका सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, यहाँ पर अटैक करने का मतलब है अगर प्रोटॉन पर अटैक होता है, ठीक है, अटैक हेयर लीड एलिमिनेशन, यानी कि अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है तो उसका मतलब ये आपका जो रिएक्शन है वो एलिमिनेशन हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर अटैक यहाँ पे टेट्राहेड्रल कार्बन है आपका, यहाँ पर अगर होता है तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन होता है। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसमें हम देखेंगे कि जो एलिमिनेशन है वो हाई टेम्परेचर पर कैसे फेवरेबल होता है, ठीक है, उसके लिए कंडीशन होती है। तो यहाँ पर एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन हम देखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपका थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है। इसमें आपका डेल्टा एस जो है चेंज इन एंट्रोपी है, डेल्टा एच है आपका चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा जी आपका जो है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है। यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा एस में क्या रिलेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एलिमिनेशन रिएक्शन, वो यहाँ पर हम जानेंगे। देखिए, ये प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिस्कस कर दिया था कि हायर टेम्परेचर पर एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से ज़्यादा एलिमिनेशन के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपका हाई टेम्परेचर पर लो हो जाता है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाता है तो वहाँ पर बहुत ही फास्ट रेट से एलिमिनेशन परफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम करेंगे। देखिए, जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो उसमें दो मॉलिक्यूल्स थ्री मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, लिखा है इन एलिमिनेशन टू मॉलिक्यूल्स बिकम्स थ्री। तो जब दो से तीन में उनका कन्वर्जन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन में डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनका
जनरेशन ज़्यादा हो रहा है, इनिशियल टू थे फाइनली आपके थ्री इसमें बन रहे हैं। यहाँ जब डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, तो जब इस इक्वेशन में हम रखेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है कि हाई टेम्परेचर कंडीशन होनी चाहिए, ये आपका टेम्परेचर है टी, जब ये हाई हो जाएगा और ये भी आपकी मोर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आई थिंक ये जो आपका टी डेल्टा एस जो यहाँ पर टर्म है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इतना बड़ा ये हो जाता है कि यहाँ पर डेल्टा एस या डेल्टा एच जो है उससे काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। जब ये चीज़ें आपकी इस तरह से आती हैं, तो डेल्टा जी जो है यहाँ पर वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एट हाई टेम्परेचर यहाँ पे डेल्टा टी आपका ज़्यादा ही होगा, यहाँ डेल्टा टी डेल्टा एस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा डेल्टा एच से। जब ये आपका इस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं देयर फोर डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, ठीक है। क्यों, या यहाँ पर चाहें तो ये भी लिख सकते हैं नेगेटिव, क्योंकि जब ये वैल्यू आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी इससे, तो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर एट हायर टेम्परेचर जो होता है उसमें डेल्टा एस बढ़ता चला जाता है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से टी डेल्टा एस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है डेल्टा एच से। जब इनका डिफरेंस निकालते हैं तो डेल्टा जी आपका नेगेटिव आ जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे जो फाइनल कंडीशंस आपकी बनती हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक रिएक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसको हम अगर इस टर्म्स में लिखें तब भी सही है, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। दूसरा आपका है डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा जी पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा जी जो है नेगेटिव आना चाहिए, डेल्टा एस पॉजिटिव डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ पे उसको हमने एक्सप्लेन किया है। और अगर इसको हम ऐसे लिख दें डेल्टा जी इज लेस देन जीरो तब भी सही है। तो ये तो आपकी फेवरेबल कंडीशन होती है थर्मोडायनेमिक कंडीशन, ये मल्टीपल चॉइसेस में पूछी जा सकती हैं, तो आई थिंक इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए और इसको समझ भी लीजिए। अगर वहाँ एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं तो तुरंत थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लिख कर कंडीशन अप्लाई करके उसको आप तुरंत कन्फर्म कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका है इवन एलिमिनेशन कैन बी स्टीरियो सेलेक्टिव, यानी कि जो इवन रिएक्शंस होते हैं वो आपके स्टीरियो सेलेक्टिव होते हैं। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको मेंशन भी कर रखा है, दीज हैव सेम कॉन्स्टिट्यूट, मतलब उसमें बॉन्ड और एटम की कनेक्टिविटी सेम होती है, बट द एटम्स ओरिएंटेड डिफरेंट इन स्पेस, यानी कि जो एटम्स का अटैचमेंट होता है वो स्पेस में डिफरेंट होता है, जैसे आपका ट्रांस है सिस है इस तरह का, तो उनको बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल हमने लिया है इवन एलिमिनेशन का ही है। यहाँ पर एसिड के प्रेजेंस में अगर इस पर एलिमिनेशन होता है, देखिए एसिड के प्रेजेंस में भी हो सकता है, मैंने आपको सबसे वीडियो के प्रीवियस पार्ट में ही बता दिया था कि वीक न्यूक्लियोफाइल आपका होना चाहिए, अगर बहुत पुअर है तब भी आपका एलिमिनेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एच प्लस है वो आपका एज इलेक्ट्रोफाइल है, बट यहाँ पर ये चीज जब जो आपकी है ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल भी बोली जा सकती है। तो यहाँ पर एसिड के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पर एक ट्रांस एल्किन बनता है, दूसरा आपका सिस एल्किन बनता है। तो यहाँ देखिए इनके जो डबल बॉन्ड है इनके रिस्पेक्ट में जो आपके ये ग्रुप्स हैं, ये एक में अपोजिट साइड्स हैं एक में आपके सेम साइड हैं, तो ये ट्रांस और सिस एल्किन का जो फॉर्मेशन है ये प्रूव करता है कि जो आपका इवन एलिमिनेशन है वो स्टीरियो सेलेक्टिव होता है, ठीक है। उसमें आपके सेलेक्टिवली प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिवली प्रोडक्ट्स बनते हैं। आप देख सकते हैं ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनको हम स्टीरियो आइसोमर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इवन एलिमिनेशन कैन बी रेजियो सेलेक्टिव। रेजियो सेलेक्टिव क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें दो आपके रेजियो आइसोमर्स हों, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हों और उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, और वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसका अटैचमेंट डिफरेंट हो, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे इस एग्जांपल को हमने लिया है, यहाँ पे HBr एंड वाटर के प्रेजेंस में अगर इसको हम करते हैं तो यहाँ पर आपके दो एल्किन बनते हैं, एक आपका मेजर होता है एक आपका माइनर होता है। मेजर आपका देख सकते हैं यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर एक कार्बन है, ये यहाँ पर एक कार्बन है, ये कार्बन आपका दो एल्काइल ग्रुप से अटैच है और ये कार्बन आपका एक एल्काइल ग्रुप से अटैच है। तो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप आपके सब्स्टिट्यूशंस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर तीन एल्काइल ग्रुप हो गए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच,
इसका मतलब यहाँ पे हो गया ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। नेक्स्ट आपका है माइनर प्रोडक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कार्बन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कितने एल्काइल ग्रुप हैं, देख सकते हैं एक ही आपका एल्काइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है। इधर आपके दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है। तो एक आपका जब ऑर्गेनिक ग्रुप है, ऑर्गेनिक या फिर एल्काइल ग्रुप लगाया है, तो इसको हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और सर्जेफ रूल या फिर जैत्सो रूल के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं जो आपके हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो यहाँ पर ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन देखिए, इसमें यहाँ पर है, ठीक है, बट सेम मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है जो कि आपका माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, रेजियो आइसोमर्स हो जाएंगे। और जब ये दोनों रेजियो आइसोमर्स हो जाएंगे तो जो आपकी ईवन रिएक्शन है ये रेजियो सेलेक्टिव हो जाएगी। तो आई थिंक आपके लिए ये बिल्कुल नया है, स्टीरियो सेलेक्टिव एंड रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा इंटर में इलेवंथ में, उसको बहुत अच्छे से वॉच कर लीजिए, लिसन कर लीजिए और लर्न कर लीजिए ताकि कोई इससे क्वेश्चन आए तो आपसे छूटने ना पाए। नेक्स्ट आपका है, अभी हमने वीडियो के प्रीवियस पार्ट में आपको डिस्कस किया है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं वो मोस्टली आपके रिवर्सिबल होते हैं, उनका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रिवर्सिबल होता है, बट ऐसा नहीं होता है, कुछ आपके ऐसे रिएक्शंस भी हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इनसे भी आ सकता है कि जो आपके रिएक्शंस हैं वो काइनेटिक कंट्रोल्ड हैं या फिर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड हैं, तो यहाँ पर इसको समझना जरूरी है। देख सकते हैं एलिमिनेशन में दो क्लासेस हो सकती हैं, इरिवर्सिबल या फिर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में हमने आपको डिस्कस किया है कि थर्मोडायनेमिक कंट्रोल आपके प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि जो आपकी रिएक्शन है वो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होती है, टेम्परेचर बेस्ड होती है। इरिवर्सिबल जो रिएक्शंस होते हैं वो काइनेटिक कंट्रोल्ड बेस्ड होते हैं, उसमें केमिकल काइनेटिक्स बेस्ड आपके प्रोडक्ट बनते हैं, फास्ट रिएक्ट करते हैं या स्लो रिएक्ट करते हैं। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस के लिए, इसको लर्न रखिएगा। इरिवर्सिबल के केस में जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो काइनेटिक कंट्रोल्ड होते हैं, और अगर इसको दूसरे वर्ड्स में हम कहें जो आपके इवन रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं वो रिएक्शंस आपकी काइनेटिक कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती हैं। अगर आपका इवन रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का है तो वहाँ पर जो आपका रिएक्शन है वो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड होता है और जो आपके प्रोडक्ट हैं वो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बोले जाते हैं, ध्यान रखिएगा।